गाइस वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको जो स्टोरी बताने वाली हूँ वो बहुत ही डरावनी है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस ये इंसिडेंट मेरे फ्रेंड ने मुझे बताया था। मेरे फ्रेंड के घर के पास एक प्रिया नाम की लड़की रहती थी, उसके साथ हुआ था ये इंसिडेंट। प्रिया और नेहा बेस्ट फ्रेंड थी, जहाँ भी जाती थी दोनों साथ में जाती थी और दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करती थी, इसलिए वो दोनों एक दूसरे से कुछ भी नहीं छुपाती थी। ऐसे एक दिन अचानक एक खबर आई कि नेहा ने सुसाइड कर लिया। ऐसे अचानक नेहा की सुसाइड की खबर सुन के वो एकदम चुपचाप हो गई। प्रिया बिलीव ही नहीं कर पा रही थी कि उसकी बेस्ट फ्रेंड नेहा अब इस दुनिया में नहीं है, और यहीं से स्टार्ट होती है स्टोरी। प्रिया ने जब नेहा के घर पहुंची तब उसने देखा पुलिस ने नेहा के बॉडी को लेकर जा रहा है और प्रिया अपने बेस्ट फ्रेंड से लास्ट टाइम नहीं मिल पाई। बस यहीं तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन कहानी शुरू हुई उसके दो दिन पहले। प्रिया नेहा की वजह से बहुत ही दुख में थी, लेकिन पिछले दो दिन से प्रिया बहुत ही खुश रहने लगी। मतलब उसके बेस्ट फ्रेंड जो बस दो ही दिन पहले मर गई, इस चीज के उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। ऐसा लग रही है उसे कुछ हुआ ही नहीं। फिर उसकी मम्मी को लगा शायद वो खुद को संभाल लिया, इसलिए वो भी उस बात को इग्नोर करके खुद के कामों में बिजी हो गई। 5 दिन बाद प्रिया की मम्मी ने एक और चीज नोटिस किया। प्रिया अब किसी से बात नहीं करती है, ठीक से खाना नहीं खाती है, हमेशा डर डर के रहती है, अकेले में बात करती रहती है, अजीब अजीब बिहेव करती रहती है। ये चीज देखने के बाद प्रिया की मम्मी ने उसके पापा को बताया। प्रिया के पापा ने सोचा शायद वो बीमार है, इसलिए वो ऐसा कर रही है। नेक्स्ट डे प्रिया के पापा उसे डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर ने बहुत ही सिंपल से दवाई देके उसे छोड़ दिया। उस दिन तो और कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन अगले दिन से वही सेम चीज फिर से होने लगी और प्रिया तो अब कीड़े मकोड़े खाने लगी थी। ये चीज देख के जब प्रिया की मम्मी प्रिया के पापा को बताया, तब प्रिया के पापा ने सोचा शायद प्रिया पागल हो गई, इसलिए वो ऐसा कर रही है। एक दिन रात के 2 बजे के करीब एक आवाज से प्रिया के पापा का आंख खुल जाता है। उन्होंने बिस्तर से उठ के उस आवाज का पीछा करने लगे। उन्हें किसी की रोने और हंसने की आवाज सुनाई देने लगी। उन्होंने ठीक से सुना तो वो आवाज प्रिया के रूम के अंदर से आ रही थी। उन्होंने देखा दरवाजा अंदर से लॉक थी, लेकिन खिड़की आधी खुली हुई थी। उन्हें थोड़ा सा डर लगा और डर डर के उन्होंने आधी खुली हुई खिड़की से जो देखा, उस चीज को वो कभी नहीं भूल सका। उन्होंने देखा उनकी बेटी प्रिया ने एक जिंदा बिल्ली को खा रही थी। वो बिल्ली दर्द के मारे रो रही थी, और जब बिल्ली रो रही है तभी प्रिया बहुत जोर जोर से हंस रही है। ये चीज देखने के बाद प्रिया के पापा को समझ आ गया था कि ये लड़की उनकी बेटी बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, शायद शरीर उनकी बेटी का है, लेकिन आत्मा नहीं। उन्होंने चुपचाप वहाँ से चला गया। सुबह उठने के बाद उन्होंने अपनी पत्नी को रात को जो भी हुआ सब कुछ बता दिया। फिर दोनों ने मिलके एक फकीर बाबा को अपने घर पे बुलाया। फकीर बाबा ने जब प्रिया के रूम के अंदर गया तब उन्होंने देखा प्रिया कुछ अजीब तरीकों से उन्हें ही देख रही है और बार बार पीछे मुड़ के देख रही है। ऐसा लग रहा है उसके पीछे कोई खड़ा है। फकीर बाबा ने जब ये चीज नोटिस करके पीछे देखा तब उन्हें पीछे सिर्फ एक काली बिल्ली दिखाई दिया। उन्होंने बिल्ली को इग्नोर करके प्रिया के हाथ में एक ताबीज बांध दिया, फिर उसके मम्मी पापा को लेकर बाहर चला गया। बाहर आके फकीर बाबा ने प्रिया के मम्मी पापा को बताया, आपकी बेटी के अंदर एक लड़की की आत्मा है जो इसे ले जाने के लिए आई है, और वो इसे लेकर ही जाएगी क्योंकि वो उस जगह पे बहुत ही अकेली है और प्रिया उसकी बेस्ट फ्रेंड है, इसलिए उसे ले जाना चाहती है, और जो भी उसे रोकने की कोशिश करेगा वो उसे मार डालेगी। ये चीज सुन के प्रिया की मम्मी बहुत ही ज्यादा रोने लगी। फिर फकीर बाबा ने बताया रोने की कोई बात नहीं, जब तक वो ताबीज प्रिया के हाथ में है तब तक वो लड़की उसे कुछ नहीं कर सकती। ये बोल के फकीर बाबा चले गए। 2 महीने बाद रात को जब प्रिया खाना खा रही थी तब प्रिया की मम्मी ने नोटिस किया प्रिया के हाथ में वो ताबीज नहीं है। जब ये बात उन्होंने प्रिया को पूछा तब प्रिया ने बहुत ही सिंपल तरीकों से बताया वो शायद कहीं पे गिर गई। ये बोल के प्रिया चली जाती है। फिर अगले दिन सुबह जब प्रिया की मम्मी प्रिया को बुलाने के लिए जाती है, उन्होंने देखा प्रिया पंखे से लटक के सुसाइड कर ली, सेम जैसे कुछ महीने पहले नेहा ने किया था।